केंद्रीय बजट मंगलवार को पेश हुआ है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने वाला, सर्वसमावेशी और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले बजट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान MSP और किसानों की आय को दुगुना करने वाला है। यह वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों की घोषणा यूपी के नौजवानों को आगे बढ़ने में सहायक है। यह बजट महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा तथा नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के केन बेतवा को इस योजना से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। सर्वसमावेशी बजट का हम स्वागत करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खास तौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, खास तौर पर MSP के लिए किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं।